बैतूल में स्प्रेडिंग स्माइल ग्रुप के संरक्षक अजय तातेड़ के जन्मदिवस के अवसर पर मानव सेवा की श्रृंखला में अंगदान संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस संकल्प शिविर में ग्रीन टाइगर संस्था के प्रबंधक तरुण वैद्य एवं साथियों सहित लगभग 300 द्वारा भी अंगदान के लिए आवेदन किए गए। कार्यक्रम में कई समाज सेवी पुरुष, महिलाएं एवं जागरूक लोगों द्वारा अंगदान के लिए आवेदन दिया गया। आज ये अंगदान शिविर स्प्रेडिंग स्माइल ग्रुप, जो कि हमेशा सामाजिक सरोकार के काम करते रहता है, उसी ग्रुप द्वारा ये अंगदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लगभग 200-250 लोगों ने अपने अंगदान के लिए फॉर्म भरने की सहमति दी है और अंगदान के लिए अपने फॉर्म प्लेज किए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मृत्यु के उपरांत भी उनका शरीर किसी के काम आ सके, उनकी आँख किसी और का घर या उसकी जीवन में रोशनी भर सके, ये मानवता के लिए एक बहुत ही पुनीत कार्य है। अभी ज़्यादातर लोगों ने ये कमिटमेंट किया है कि हमारे शरीर का जो भी अंग मृत्यु के उपरांत काम आ सके, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, आँख हो या उसका हृदय हो, जो भी काम आ सके वो हमारे ले सकते हैं। तो अधिकतर लोगों ने इसी के लिए फॉर्म प्लेज किया। सामूहिक रूप से इतना बड़ा कार्यक्रम तो नहीं हुआ जहां इतने अधिक संख्या में लोगों ने अंगदान के फॉर्म भरे। हाँ, 50-100 ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन आज ये वृहद स्तर पर स्प्रेडिंग स्माइल ग्रुप द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये निस्संदेह बहुत ही सराहनीय है और मैं उन सभी अंगदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। बैतूल जिले के लगभग 700-800 लोगों ने अंगदान के लिए फॉर्म भरा है और लगभग 50 लोगों ने देहदान के लिए फॉर्म भरा है और 3 लोगों ने अपनी देहदान भोपाल एम्स में कर भी दिए, जिसके द्वारा हमारे फॉर्म भरे गए थे, जिसमें सरले जी हैं वडोरा के और एक जैन साहब हैं भोरा के, उन दोनों का डेड बॉडी हम एम्स में डोनेट कर चुके हैं। और एक पंजाब राव कवड़कर, जिन्होंने अपने कॉर्निया के लिए फॉर्म भरा था, तो उनका लगभग 3 साल पहले संजीवनी हॉस्पिटल में उनका कॉर्निया इवेक्यूएट करके एक ग्रीन कॉरिडोर बना के हमने भोपाल पहुंचाया और वहां उसका सक्सेसफुल प्रत्यारोपण किसी अन्य व्यक्ति में हो गया, उसकी जानकारी नहीं बताई जाती, तो उसमें सफलतापूर्वक हो गया। तो पंजाब राव कवड़कर की आत्मा को भी मैं शांति प्रदान करने की ईश्वर से अपील करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही पुनीत कार्य किया। वह हम सभी के पहले दानदाता बैतूल से थे और सभी के प्रेरणा स्रोत। मैंने पूरी बॉडी डोनेट किया है, जो भी मेरा पार्ट रहेगा, जो काम का रहेगा, वो बिल्कुल मैं डोनेट करूँगा और मैं आगे भी और लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अंगदान करें। अब वैसे भी मरने के बाद शरीर कुछ काम का रह नहीं जाता है, अगर अपन किसी काम आ सके तो इससे नेक काम और क्या होगा। हम तो लगातार कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं और करते आ रहे। युवाओं का जो जोश है वो देखते ही मिल रहा है। 200 से 250 लोग हमारा था कि करें हम, लेकिन उससे ज़्यादा होने की उम्मीद लग रही है। हाँ, इसको लगातार जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अरुण जयसिंह पूरे सर के साथ मिलकर आगे भी ये काम में भागीदारी निभाए। ये मैंने अपनी खुद की से किया है और नेत्रदान किया है मैंने, और अच्छा है कि हम अपनी जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो किसी के काम आए, तो बहुत अच्छी बात है।